गैंगस्टर से राजनेता बने मुख्तार अंसारी को पिछले साल यानी 2023 में वाराणसी की एक अदालत ने कांग्रेस नेता अवधेश राय की हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। वो जेल में अपने दिन बिता रहा था कि अचानक उससे जुड़ी एक बड़ी घटना सामने आई है। मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में देर रात हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद बांदा जेल से उसे जिला हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां हालत ज्यादा बिगड़ने पर उसे आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा गया है। जेल विभाग ने रात में ही मुख्तार के घर वालों को इसकी सूचना भिजवा दी है। मुख्तार की स्थिति काफी नाजुक बताई जा रही है। आज सुबह में मोहम्मदाबाद थाने में यहाँ से बांदा जेल अधीक्षक साहब का एक वायरलेस गया, तो उसके बाद उनके किसी सिपाही ने आकर रिसीव कराया मेरे चचेरे भाई अफजाल अंसारी को कि मुख्तार अंसारी साहब की तबीयत खराब है, और मतलब सूचना दिया गया, तो जो जहां था वहीं से निकल लिया। मैं लखनऊ में था, अपनी पत्नी को लेकर आया था डॉक्टर को दिखाने के लिए। 4-5 बजे भोर में मुझे पता लगा कि ये हाल है, तो सांसद अफजाल अंसारी ने मुझे कहा कि तुम वहां से नज़दीक हो, तुम जल्दी जा सकते हो, जाके देखो। हम लोगों को तो समझ में आ रहा कि पता नहीं वो जिंदा भी है कि नहीं है। अब क्या स्थिति है? तो जो जहाँ से जिसको सूचना मिली वो चल दिया। उनके बेटे उमर अंसारी भी दिल्ली थे, वो दिल्ली से चल चुके हैं, आ रहे हैं, और सांसद अफजाल अंसारी भी रास्ते में हैं, कुछ देर में वो पहुँच जाएंगे। लेकिन अभी मेरे वकील साहब को मिलने दिया गया है, मुझे अभी मिलने की इजाज़त नहीं मिली है। और यहाँ जो सुरक्षा में ड्यूटी में लगे हुए हैं ऑफिसर लोग, उन्होंने ये कहा कि आप जेल अधीक्षक से जाकर लिखवा के लाइए, तो आप भी उनको देख सकते हैं। वकील साहब क्या कह रहे हैं आपके? मेरे वकील साहब अंदर गए थे, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि हाँ होश और हवास में हैं वो, लेकिन अभी उनकी कुछ मेडिकल रिपोर्टें आई नहीं है, आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। डॉक्टर ने क्या बताया? क्या डॉक्टर से मेरी मुलाकात नहीं हुई है। वकील साहब से क्या बताया डॉक्टर ने? वकील साहब से भी अभी डॉक्टर की मुलाकात नहीं हो पाई, वह ये मालूम हुआ है कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद उनका उपचार सही ढंग से किया जाएगा, और हम तो यही चाहेंगे कि इनको कोई अच्छी जगह भेजकर इनका इलाज कराया जाए। समस्या क्या है इनको? अभी कुछ पता नहीं, बस पता लगा है कि चक्कर आया, वो गिर गए थे। उसके बाद जेल सुप्रिंटेंडेंट साहब ने तत्काल 3 बजे रात में यहाँ पर इनको एडमिट कराया, तो सारे परिवार के लोगों को मालूम हुआ, सब लोग तो डर गए थे कि पता नहीं वो इस दुनिया में हैं कि नहीं हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद ये पता लगा कि वो ठीक हैं, लेकिन उनकी कुछ रिपोर्टें अभी आने वाली हैं, वो आने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। अंसारी ने कोर्ट में लिखित बयान के जरिए आरोप लगाया था कि उसको स्लो पॉइजन यानी धीमा जहर दिया जा रहा है, और उससे उसकी तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। जेल प्रशासन ने इस आरोप का खंडन किया था। वहीं अंसारी के वकीलों ने अनहोनी की आशंका व्यक्त की है। अभी जांचें भेजी गई हैं, कोई रिपोर्ट अभी आई नहीं है, अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं आया है, उनके पेट में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, और जो ब्लड जांच हुई थी उसकी भी कोई रिपोर्ट अभी नहीं निकाली गई है, कुछ जांचें रह गई हैं उसी के बाद पता चलेगा। अभी उनकी हालत जो है हल्की फुल्की ठीक कही जा सकती है, किडनी करने में करा रहे हैं, और बाकी तो। कितने बजे आपको सूचना मिली थी, क्या बोला गया था? भैया फैक्स गया था ये, तो मेरे 4 बजे के या 4:30 बजे के आसपास तभी हम लोग आए। फिलहाल अंसारी का इलाज जारी है।